शिमला डिस्ट्रिक्ट मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में शुरू हो गया है। दो दिवसीय इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में 35 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 35 से लेकर 80 वर्ष आयु के मध्य तक करवाई जा रही है। वहीं प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ऊना जिला में 15 फरवरी से 17 फरवरी के मध्य ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी शिमला डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दी। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन के उद्देश्य की भी जानकारी दी। मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप होने जा रही है, शिमला डिस्ट्रिक्ट की मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें ये 10 और 11 दो दिन के लिए हमने चैंपियनशिप रखी है और इसमें 35+ से लेके 75+ तक, उससे भी अगर कोई 80+ भी है, सबसे बड़ा इसमें यही है कि, और ये 5 ईयर्स का गैप है इसमें, 35 to 40, 40 to 45, then 45 to 50 एंड इसी तरह से 85 ऑनवर्ड्स ये चला रहेगा, मतलब ये मास्टर्स का है ये इसमें, और ये दो दिन के लिए हमने रखी हुई है और इसी के बेस पे जो इस जिनकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी, और हमारा ये मास्टर्स की स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप ये ऊना में होने जा रही है, जो 15 फरवरी से 17 फरवरी से जो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, हमारे जितने भी यहाँ पे प्लेयर सिलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली इसके पीछे कि हमारा जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक कंसेप्ट लेके कि इसको जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे अच्छे प्लेयर्स रहे हुए हैं, उनको एक आफ्टर सर्टेन एज, जैसे मेन सेक्शन वगैरह में वो खेलते थे तो 30+ में आके वो उनका वीन आउट हो जाता था, धीरे धीरे उनका कैरियर ही ख़त्म हो जाता था, एक इसमें करियर इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको विजुअलाइज किया। पहले ये हमारा उन्होंने रखा होता था 45+, दैट इज़ कॉल्ड, तब ये इसका नाम होता था वेटरन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, फिर इन्होंने उसका कंसेप्ट ही चेंज किया, फिर इसको कर दिया बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मास्टर्स बैडमिंटन चैम्पियनशिप, और ये 35+ से इन्होंने स्टार्ट किया, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं और भी जो पुराने प्लेयर रहे हुए या नए कोई खेलने जाते हैं, आपने देखा ही होगा कि शौक के लिए बहुत लोग खेलते हैं बैडमिंटन, एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि चलो एक कंपटीशन आ जाता है, तो उससे आप थ्रू आउट हिमाचल देखोगे और डिस्ट्रिक्ट्स में, शिमला में, ऊना में, हमारे कांगड़ा में, मंडी में, हर जगह इस चैम्पियनशिप में इतनी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन है।